छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को जारी की गई लोकसभा चुनाव की तिथियों को लेकर कहा कि पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार चुनाव में देरी हुई है। हम आशा करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, हमारी पूरी तैयारी है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यात्रा कर रहे हैं, हम भी अपने स्तर से लगे हुए हैं। कांग्रेस द्वारा अभी तक छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं होने पर संबंधित सवाल पूछने पर पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि 18-19 तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने की उम्मीद है। पिछले समय में भी 3 चरणों में चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था। पहले बस्तर हुआ था, फिर राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, उसके बाद 7 लोकसभा तीसरे चरण में हुआ था, लेकिन तारीखें अलग अलग थी। अप्रैल में ही 3 चरण के चुनाव हो गए थे, इस समय डिले हुआ है। उस समय रिजल्ट भी पहले आ गया था मई महीने में, अभी तो 4 जून को गए। जो इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया है स्वागत योग्य है, और हम ये अपेक्षा करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, हम उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और कांग्रेस की क्या तैयारी रही है? हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, एक तरफ ये है कि लगातार राहुल जी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, खड़गे साहब भी लगातार राज्य सभाओं संबोधित कर रहे हैं, लोग भी अपने स्तर पर लगे हुए हैं, तो वातावरण तो इस प्रकार से है। जल्दी हो जाएगा, कल राहुल जी की यात्रा का समापन कार्यक्रम है, उसके बाद 18-19 को भी डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसा समझता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड